दोस्तों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए कुछ कंपनीज ऐसे भी होती है जो कंपनीज अपनी खुद के लिए काम नहीं करती, दूसरों के लिए काम करती है। इन कंपनीज को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, यानी रिसर्च का काम हम आपको करके देंगे, बाकी के पैसे आप हमें दे दो, ऐसा उनका सिंपल सा वसूल होता है। और मैं आपके साथ इसी कंपनीज के बारे में बात करने वाला हूँ। इंडिया में कुछ कंपनीज है, इन कंपनीज का नाम भी कौन सा है और इन कंपनीज में स्पेशल बात क्या होती है और इन कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्यों जाना चाहिए, ऐसा मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल में आज बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों कुछ कंपनीज होती है जो खुद के प्रोडक्ट्स खुद बनाती है और खुद सेल भी करती है, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कुछ कंपनीज ऐसे भी आपको मिलेंगी जो दूसरों के लिए हमेशा काम करती है। इन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी CRO बोला जाता है और इनकी भरी मार बहुत ज़्यादा, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको ऐसी कंपनीज बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसका रीज़न ये होता है कि कुछ कंपनीज के पास पैसे नहीं होते और कई बार कंपनीज अपने रिसर्च के पैसे किसी और कंपनी को भी देना चाहती है। इसका मतलब ये होता है कि रिसर्च आप करेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन आप करेंगे और उसका बदले में नाम हमारा होगा, और कई बार लैब्स वगैरह ये सारी चीज़ें कुछ कंपनीज के पास अवेलेबल भी नहीं होती है। ऐसे केस में वो कुछ कंपनीज को हायर करती है जिन्हें ये CRO बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। यहाँ पे अगली बात आती है कि इंडिया में ऐसी कौन सी कंपनीज है जो CRO हम जिसे बोल सकते हैं। हालांकि इंडिया में एक बहुत बड़ा पॉपुलर नाम है CRO का, जिसका नाम है कोवेंस में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं और कोवेंस के बहुत ज़्यादा ब्रांचेस इंडिया में है। इसका रीज़न ये है कि कोवेंस कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की एक टॉप रेटेड कंपनी है और उसके साथ बहुत सारे लैब्स भी कोवेंस के अवेलेबल है। अभी ये CRO किस तरह से कंपनीज को हेल्प करती है ये आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी खुद की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उस फार्मास्यूटिकल कंपनी के R&D सेक्शन को मैं चला रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उन पैसों को R&D में लगाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है और कई बार मेरे पास ज़्यादा लैबोरेटरीज और डॉक्यूमेंटेशन के लिए कई बार रेगुलेटरी अफेयर्स के बड़े बड़े से आदमी यानी बहुत पॉपुलर लोग, बहुत एक्सपीरियंस लोग मेरे पास नहीं है और उन लोगों को हायर करने के लिए मेरे पास इतना बजट भी नहीं है। ऐसे केस में मैं क्या करूँगा कि इन कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पास अप्रोच करूँगा, उनके साथ एक टाइप करूँगा, उनको बोलूँगा कि मेरा इतना इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उन प्रोजेक्ट के लिए मुझे आपके लैब्स चाहिए और कई बार आपके डॉक्यूमेंटेशन हैंडल करने के लिए कुछ लोग भी चाहिए। ऐसी केस में वो जो कंपनी है, मेरी खुद की कंपनी, उसके लिए नाम लेते हैं कोवेंस का, कोवेंस मेरे लिए काम करेगी और कोवेंस मेरे लिए डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगी, मेरे R&D सबमिशन जितनी भी सारी FDA की होंगी उसके लिए हेल्प करेगी, और कई बार जो लैब्स होती है, लैबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशन होती है, लैब सर्टिफिकेशन होती है, ट्रेनिंग्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को कोवेंस ही कंडक्ट करेगी। ऐसे केस में जो बोल सकते हैं वर्कफोर्स जो होता है वो थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है और एक बड़े से बड़ी कंपनी को अपना वर्कलोड कम करने की हमेशा से ज़रूरत होती है, क्योंकि एक कंपनी में अगर सारे काम करने लगेगी तो उसको मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा। ऐसे केस में इन कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का यानी CRO का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी मैंने ऐसा टर्मिनल क्यों रखा है कि इन कंपनीज का आपको जाना चाहिए या फिर यहाँ पे सैलरी ज़्यादा होती है, इसका रीज़न ये होता है कि हालांकि इनके अपने कुछ प्रोडक्ट्स नहीं होते, मार्केट में इनका कुछ एग्जिस्टेंस खुद नहीं होता, यानी हम बोल सकते हैं कि अपने खुद के कुछ प्रोडक्ट के ऊपर ये अपना ब्रांडिंग नहीं करते, दूसरों के लिए हमेशा काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका रीज़न ये होता है, इसका इम्पोर्टेंस और इसका फ़ायदा ये होता है कि इन कंपनीज में जितने भी सारे लोग काम करते हैं उनमें कंपनी एक बहुत ज़्यादा वैल्यू देखती है। यानी अगर मान लीजिए कोई एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी IT कंपनी है, वो कैसे काम करेगी कि उसके खुद के भी कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, उसके खुद के भी कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज होंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होंगे जिसके बेसिस के ऊपर वो कंपनी चलती है, और उसके बाद उसके पास कोई PV मेडिकल कोडिंग या फिर CDM क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो चलाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो जो उसके लिए प्रोजेक्ट्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हो। हालांकि उसके वजह से उनको फ़ायदा तो होता है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि अगर वो बंद भी हो जाए, यानी PV अगर बंद भी हो जाए, फिर भी ये बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इंजीनियर्स है, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है, तो ऐसे केस में उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते और ये कंपनी स्पेसिफिक वेज में ही काम करती है। यानी मैं कोवेंस की बात करूँ तो कोवेंस हमेशा लैब्स में काम करती है, कोवेंस हमेशा डॉक्यूमेंटेशन हैंडलिंग में काम करती है, लैब सर्टिफिकेशन, लैब ट्रेनिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में कोवेंस हैंडल करती है। तो ऐसे केस में आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी कि यहाँ पे थोड़ा वैल्यू और कुछ सीखने की चीज़ें ज़्यादा होती है और सैलरीज भी यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू MNC आपको ज़्यादा दी जाती है।
ये था आज का वीडियो। डिटेल में आपको बताने का मैं ट्राई किया कि एग्जैक्टली सीआरओ और सीआरओ में आपको क्यों जाना चाहिए। अगर मुझे फ्यूचर में और कुछ लगता है तो मैं आपको जरूर बताने का ट्राई करूंगा। उससे पहले वीडियो एंड करने से पहले, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो मारो। इस चैनल का नाम विशाल वाबेला, उसको इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च करके आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। चैनल के ऊपर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।